2024 में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें देश के सामने रखी थी। एक बात थी 2 करोड़ रोजगार की, दूसरी बात थी स्विस बैंक की लिस्ट की कांग्रेस पार्टी के नेताओं के धन की और 15-15 लाख की। एक बात थी बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। एक बात थी किसानों को डबल इनकम और एक बात थी एमएसपी किसानों का समर्थन मूल्य। एक भी पूरी हुई क्या? अरे फिर से बताओ, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आए क्या? आपके जो किसान भाई है उनकी डबल इनकम हुई क्या? बहुत हुई महंगाई की मार जब 60 रुपए का किचन आई मीठा तेल था मूंगफली का, अब 160 है। जब पेट्रोल 60 का था अब 110 का है। जब सरसों का तेल भी 160। मैं 5 व्यक्तियों का घर चलाने के लिए 3 से 4 हजार रुपया लगता था, 20 से 25 हजार रुपए में भी पैसे आए पर लोगों का घरों का काम नहीं होता है। 2023 अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, गारंटी मोदी गारंटी, किसानों की 2700 रुपए गेहूं का दाम दूंगा मिला क्या? 3100 धान का दाम दूंगा मिला क्या? 3000 लाडली महिलाओं को तो मिल गए होंगे। अरे मिल गए होंगे, हर महीने कर्ज लेना, बड़ा पंडाल लगाना, कार्डलेस हाथ में माइक लेना और उस पर वॉक करना। शिवराज जी ने अद्भुत अकल्पनीय पराकाष्ठा कर दी और कहा बहनों मेरे पास अभी पैसे की कमी है, 1000 लो, चुनाव में वोट दो, जैसे ही होंगे 3000 करूंगा। एक ऐसा झूठ, ऐसा पाखंड, ऐसी अकल्पनीय झांसा कोई एक राजनेता, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान नहीं दे सकता। साथियों, जैसे ही शिवराज जी की इस झांसे में आकर 160 से ऊपर सीट बीजेपी जीत गई, विधायक इकट्ठे हुए, खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने एक पर्ची दी शिवराज जी को, ऐसे लो रजनीश पढ़ो, मुख्यमंत्री कौन था? मोहन यादव। पर्ची का मुख्यमंत्री, काय का मुख्यमंत्री? विधायकों का नहीं, जनता का नहीं, पर्ची से निकला हुआ मुख्यमंत्री। जैसे ही बैठे उन्होंने चालू किया क्राइम। मध्य प्रदेश में अद्भुत है, अकल्पनीय है, आदिवासियों पर अत्याचार। शिवराज जी थे, एक आदिवासी पर एक व्यक्ति रीवा में, सतना में, रीवा में, सीधी में चेहरे पर पेशाब कर रहा था। मनावर में 9 आदिवासियों को 9 हाथ गड्ढे गहरे में गाड़ दिया। सिवनी में एक आदिवासी को घसीट घसीट के मार दिया। मध्य प्रदेश में 2 लाख आदिवासी बहनें गायब हो गई पिछले 3 साल में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार आदिवासी बहनों पे होते हैं तो इसी प्रदेश में होते हैं। आदिवासियों पर अत्याचार, अनाचार, अपराध अगर सबसे ज्यादा कहीं होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार की रिपोर्ट कह रही है। बात इतनी है कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने देश को सपने दिखाए, रोजगार के, करप्शन के, महंगाई के, किसानों के, अच्छे दिन के। जब नरेंद्र मोदी जी 10 साल सरकार में रहे, उन्होंने कहा था स्विस बैंक की लिस्ट आएगी, गांधी परिवार और कांग्रेस के नेताओं को उसमें पैसे है, मैं निकाल के लाऊंगा और 15-15 लाख मुफ्त में आपके खातों में आ जाएंगे। लिस्ट आई एसबीआई की, काय की आई 10 साल में? एसबीआई की। 31 कंपनियां जिन पर ईडी ने छापा डाला, उन्होंने 50 करोड़ रुपए से लेके 1000 करोड़ रुपए तक बीजेपी को दान दिया। एक नंबर चुनावी बॉन्ड,
दुनिया का किसी भी राजनीतिक दल ने इतना शुद्ध रूप से कभी करप्शन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया है, अंदर कर दो। झारखंड का एक मुख्यमंत्री आदिवासी एकमात्र मुख्यमंत्री रहते हैं, उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले यही नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। भ्रष्टाचार करना के खिलाफ लड़ाई है नरेंद्र मोदी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है नरेंद्र मोदी की, पर उनके साथ आए तो दूध का धुला, और विपक्ष में हो तो ईडी और जेल, ये जेल ही है क्या पास में? ये सामने जेल की सलाखों के नीचे पीछे। अरे भैया, आपने अरविंद केजरीवाल को अंदर किया, आपने अशोक चौहान जो आदर्श घोटाले के कांग्रेस के नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको राज्यसभा की टिकट छोड़ी। हेमंत सोरेन कांग्रेस के नेता था, ईडी की जांच थी, उसको मुख्यमंत्री क्यों बनाया आपने? क्या कारण था कि नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाया? क्या कारण था कि 154 नेताओं पर ईडी की जांच हुई, 121 नेता बीजेपी में चले गए, अलग अलग पार्टी के, कांग्रेस के, वो सब दूध के धुले हो गए, एक भी सब राज कर रहे हैं, बाकी सब जेल के अंदर जाओ। ये नरेंद्र मोदी करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं या लोकतंत्र के अगेंस्ट लड़ रहे हैं? अरे नरेंद्र मोदी करप्शन के खिलाफ है या लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना इतना चाहता हूं कि अब लड़ाई आ गई है लोकतंत्र और संविधान बचाने की। आपके सामने दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आदरणीय उकार मरकाम, आप इसकी, उकार मरकाम हमारे घर का है, परिवार का है, इसकी योग्यता परिवार में जब रहते हैं तो पहचान हो नहीं हो क्या पता, पर इसकी उस भावना को जियो। ये जैसे ही मंत्रिमंडल में आया 15 महीने, इनने कहा कि हर पंचायत में हर परिवार के लोगों को शादी ब्याह के लिए 25,000, 50,000, 1,00,000 कुछ न कुछ बर्तन दो, योजना बनवाई उन परिवारों के लिए बनाई जिनको नीड की जरूरत थी। ये शिक्षित, योग्य, धैर्यवान, सरल, अनुभवी, ईमानदार, समाज सेवी, राजनीति समाज सेवा जैसी करता, जिसने कैबिनेट मंत्री रहते हुए 50 किलो 1 क्विंटल राशन हर वर्ष कैसे मिले, आदिवासियों को एक आदिवासी दिवस पर छुट्टी कैसे मिले, इसने हर वो एकलव्य योजना जिसमें खेलकूद की प्रतियोगिताओं में आदिवासी और आम बच्चा आगे कैसे जाए। मैं मानता हूं राहुल गांधी के प्रिय तो है ही, अद्भुत है, यहां से चुन के जाएंगे तो केंद्र में वो कमेटी में है ये जो सबकी टिकट पास करती है, मेरी भी, कोई नहीं छूट सकता है उस कमेटी में। खड़गे जी के साथ बैठते हैं, राहुल जी के साथ बैठते हैं, सोनिया जी के साथ बैठते हैं, पर वहां बैठ के सिर्फ अपना गौरवान्वित महसूस नहीं होते, आपकी चिंता करते हैं, मंडला ढिंडोरी की चिंता करते, इसका सम्मान बढ़ाते, क्षेत्र का सम्मान बढ़ाते। मुझे याद है आज भी वो दिन जब हमारी आखिरी मंत्रिमंडल की मीटिंग थी, हमारी सरकार गिर रही थी, मुझे याद है। पत्रकार बंधुओं सुनो, और ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मंडला ढिंडोरी की संसदीय क्षेत्र की जनता को भी बताओ कि जिस दिन आखिरी मीटिंग थी, जब हमारी सरकार गिर रही थी, जब हमारे विधायक भाग गए थे, तब उकार मरकाम की एक भावना, एक बात, एक मुझे अंतर मन को छू गई। इसने कहा आदिवासी हितों की जो योजनाएं हैं, हमारी सरकार चली जाएगी, पर मैं मंत्री रहूं नहीं रहूं, हमारी सरकार रहे नहीं रहे, पर उसके पहले वो योजना क्लियर करवा दो। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन, लड़ता रहा, देखता तड़प कैसी होती है अपने क्षेत्र के प्रति। 4 बार ऐसे ही नहीं जिताती है लोग। अगर ढिंडोरी की जनता ने भरोसा किया, आपने मंडला ढिंडोरी से एक बार पिछली बार चुनाव लड़ा था, हमारा उकार, हमने 80,000 वोट से गोंडवाना थोड़ी ज्यादा ले गई थी, इस बार तो गोंडवाना को तो ज्यादा नहीं मिलेगा ना, सब पंजे पे आएगा ना। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि एक तरफ है ये उकार मरकाम जो आपके सम्मान को बढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ है उलस्ते चाचा
जो नोट की गड्डिया लेके अंदर चले गए और सीधे तिहाड़ से गए कि नहीं गए? गए। अरे गए कि नहीं गए? गए। एक दिन अखबारों में आया, मीडिया में आया, संसद में सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे? सो रहे थे। अरे सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे? सो रहे थे। यह मां नर्मदा निकली है। एक योजना 35 साल में उलझते जी ने कोई काम किया हो तो कोई ध्यान हो तो मुझे दुरुस्त करे भैया पत्रकार बंधु करे। अरे कुछ किया क्या? अरे कभी एक बार संसद में कुलस्ते चाचा, तेरे भी चाचा है, वो खड़े होकर क्षेत्र की आवाज उठाते दिखे? नहीं। कोई सवाल लगाते दिखे? नहीं। बात यह है, इस 35 साल की मुसीबत को समाप्त करोगे कि नहीं करोगे? नहीं। अरे करोगे कि नहीं करोगे? नहीं। बस इतना ही निवेदन है कि चाचा को हाथ जोड़ के जबलपुर रोड से इसी गड्ढे वाली रोड से जबलपुर भेज दो और कहो अब उकार मरकाम हमारा जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा कि नहीं करेगा। ये मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ, ये तो हो गई वो बातें जो पिछली गई। कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपका सांसद बनेगा उकार, तो फायदा क्या है क्षेत्र? जो पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, जिनने ग्रेजुएशन कर लिया, वो अपर कास्ट का हो, वो दलित आदिवासी भाई हो, वो हमारे एसटीएससी का भाई हो, ओबीसी का भाई हो, माइनॉरिटी का भाई कोई हो, उसको ग्रेजुएशन करने के बाद पक्की नौकरी 8,500 रुपए की पहले महीने से चालू हो जाएंगे। केवल ग्रेजुएशन की उसके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी ला रही है। ये मेरी बहनें बैठी है, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, वो नहीं हटी, महंगाई है। अच्छी पानी की बॉटल लो तो 40-50 की हो गई, पेट्रोल 100 के ऊपर हो गया, डीजल 100 के ऊपर हो गया, मीठा तेल 150 के ऊपर हो गया, राशन अद्भुत महंगा, कपड़े लत्ते जो कहो उस पर जीएसटी, सरकार का पैसा जनता से जाता, पर जनता को राहत नहीं। हमने तय किया कि हमारी बहनें, शिवराज जी ने धोखा किया उनके साथ, 3,000 का बोला और 1,000 दे रहे हैं, 8,500 रुपया पर बहन को, गरीब बहन को, आदिवासी बहन को, दलित बहन को, अपर कास्ट की भी गरीब, हमारे जो किसी भी वर्ग के लोग हों, 8,500 रुपया हर बहन के खाते में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी डालेगी, हर बहन 8,500। याद रखना, ये मैंने एक बात कही, वीडियो बनाओ जरा निकालो, सब अपने अपने फोन हर घर पहुंचा, 8,500 रुपया सारी बहनों के खाते में, वो बीजेपी के नेताओं की जो पत्नियां और बहनें हैं ना, उनकी बहनों के भी खाते में जाएंगे। याद रखना, उनसे भी इस बार वोट लेना है, लोगे कि नहीं लोगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी तो समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, 3,000 रुपये गेहूं के दाम, 3,100 रुपए धान के दाम, कंपलसरी कांग्रेस पार्टी करेगी। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम सभी परिवार के साथियों को सामाजिक सुरक्षा, या ठेले वाला है, या छोटी सी दुकान लगाता है, बुजुर्ग हो गया, दुकान में बचा नहीं बचा, बुढ़ापा बिगड़ गया, कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, उसकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा कांग्रेस की सरकार योजना बना के करेगी। मैं एक बार फिर से अनुरोध करता हूं, आप सब हाथ ऊंचे उठाकर, ऊंचे हाथ करके एक मुट्ठी बांधो, सब ऊंचे करो और ये दृढ़ संकल्पित हो कि मंडला ढिंडोरी संसदीय क्षेत्र का सांसद का प्रत्याशी कौन है, तो मैं कहूंगा कौन है, तो आप कहोगे हम है। सांसद का प्रत्याशी कौन है? सांसद का प्रत्याशी मंडला ढिंडोरी का कौन है? आप सब कसम खा के जाओ कि इस बार हमारा सांसद बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? और भज्जन चाचा, अपने गुलुस्ते चाचा घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पक्का जाएंगे? तो धन्यवाद करो, भारत माता की जय, जय जोहार, धन्यवाद। आदरणीय हमारे विधायक जिन्होंने फग्गन सिंह कुलस्ते को भारी बहुमतों से विधानसभा में पराजित किया है, हमारे नौजवान विधायक चैन सिंह वरकरे साहब हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर
मर्सकोले जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक भूपेन्द्र सिंह जी, आदरणीय उपस्थित कबीर स्वामी साहब, उपस्थित हमारे मंजा सिंह, सभी विधायक गण, अध्यक्षगण ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण और एनएसयूआई युवक कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस के हमारे किसान कांग्रेस के हमारे सभी अध्यक्षगण और उपस्थित हमारे सम्मानित सभी साथियों, आज आपके बीच में आप और हम सब हमारे बीच में आज एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में ये जो आज का जो नामांकन का सभा है, सभी लोग कृपया शांति बनाए, कृपया सभी लोग अपना शांति बनाने का कष्ट करें। देखो, हमारे मंच के नेताओं से मैं कहूंगा कि ये जो जनता नीचे बैठे हैं, इनको मौका नहीं मिला है, नहीं वो भी मंच में बैठ के नेतागिरी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप और हम सब लोग, मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग शांति बनाने की कृपा करें। आज और आपके बीच में ये चुनौती है मेरे साथियों, आज हमारे देश का संविधान खतरे में है। संविधान को बचाना है कि नहीं बताओ, बचाना है कि नहीं बताओ। आज लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है कि नहीं बताओ। साथियों, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, हमारे देश की अमन चैन भाईचारा, हमारे देश की अखंडता संप्रभुता खतरे में है। और आप खतरे में कौन ले जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ले जा रहा है। आप सबको इस बात का आज संकल्प लेना है कि हमारे जो यहाँ पर जिस तरह से हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाने के लिए आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? तो हमको आज इस बात का संकल्प लेना है कि हम लोग आज भाजपा के वो जो उम्मीदवार जो 35 सालों से यहाँ सांसद है, पर आपके यहाँ कोई काम किया है क्या? कोई काम किया है क्या? ये मंडला में जबलपुर से आने वाली सड़क आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं, आज रेलवे लाइन के लिए लोग तरस रहे हैं, आज गांव के लोग विकास के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार जब दूसरे देशों में पैसा दे सकता है तो मंडला संसदीय क्षेत्र के लिए क्यों पैसा नहीं दे रहा है। मेडिकल की आवश्यकता है, शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, पर हमारा सांसद कभी आवाज नहीं उठाया मंडला संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए। तो उसको बदलना है कि नहीं बदलना है? तो आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं मंडला संसदीय क्षेत्र के मान सम्मान विकास, और ये जो मैं पगड़ी है, ये मंडला का हमारा आन बान और साथ है, ये पगड़ी का सम्मान मरते दम तक मैं करूंगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लो भाजपा वाले, जब आप लोग जन्म नहीं लिए थे तब मंडला का विकास कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया था। ये मंडला में यूनिवर्सिटी, मंडला में हॉस्पिटल, मंडला में हर गांव में स्कूल, मंडला के हर 4-5 किलोमीटर में हाई स्कूल और 10 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी और कॉलेज खोलने का काम, रोड बनाने का काम अगर किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज भाजपा के लोग कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। उनको आपको समझाना है, जनता को समझाना है। मेरे भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूँ, आज ये लोग
जनता की कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये अपनी होशियारी में लगे रहते हैं, ये अपनी 400 की बात करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा के लोग अपने लिए 400 की मांग करते हैं, पर कांग्रेस पार्टी जनता के लिए 400 की खजाना खोलने वाली है। रोजगार गारंटी का पैसा 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी किया जाएगा, ये कांग्रेस का हमारा वचन पत्र है। आपको हम बताना चाहते हैं, आज आप और हम सबको मेहनत से काम करना पड़ेगा। पर आदरणीय हमारे बीच में जीतू पटवारी जी हैं, उमंग सिंघार जी हैं, अरुण यादव जी हैं, आप सब लोगों के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, आज जीतू पटवारी जी माननीय राहुल गांधी का संदेश लेकर के आए हैं। आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि आप सब लोग आज संदेश दे दीजिए जीतू पटवारी जी के माध्यम से राहुल गांधी जी तक कि मंडला के सीट आपको 4 तारीख को जून में कांग्रेस को मिलेगा। ये आप हाथ उठा करके विश्वास दीजिए जीतू भैया, ये हमारी जनता तैयार है कि 4 तारीख को आपको मंडला संसदीय क्षेत्र का सीट माननीय राहुल गांधी के लिए समर्पित रूप से मिलेगा और विकास के बुनियाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज आप सब लोगों के बीच में ये जो हमारा अपार जन समूह है, भाई साहब यहाँ आया था भी यादव जी, और यादव जी यहाँ के यादवों को बता रहा था कि देखो यादव, हमारे पास भी आदरणीय सुभाष यादव जी का लाडले सपोर्ट अरुण यादव जी हमारे बीच में उपस्थित है। पिछड़े वर्ग का नेता, पिछड़े वर्ग का नेता आज हमारे बीच में जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी उपस्थित है। हमारे आदिवासियों का नेता आदरणीय उमंग सिंघार जी हमारे जमुना देवी जी के झंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित है। आज आपके हमारे बीच में निर्णय लेने की आज घड़ी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो हमसे टकराएगा कांग्रेस पार्टी। तो साथियों, हमको यही आवाज लेकर के एक एक मतदाता के बीच में जाना है, समझाना है कि 19 तारीख को जो आपका मतदान होगा वो भारत के भविष्य के लिए होगा, लोकतंत्र बचाने के लिए होगा, देश की संविधान बचाने के लिए होगा, सबको न्याय दिलाने के लिए होगा। आप मतदान करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं ओंकार सिंह मरकाम आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भौतिक विकास के साथ मानवीय विकास भी मेरी दृष्टि में है। हम लोगों की सुख शांति समृद्धि के लिए नशा मुक्ति अभियान में 2012 से चला के रखा हूँ, शिक्षा की समानता आंदोलन 2017 से चला के रखा हूँ, विश्व मानव सुरक्षा सेना 2022 से चला के रखा हूँ। भौतिक विकास तो करूंगा ही, मानवीय विकास भी करूंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि 35 सालों तक ये सांसद जी ने मंडला की आवाज कभी संसद में नहीं उठाया, पहली बार में ही दिल्ली के कोने कोने में चर्चा होने लगेगा कि मंडला का शेर दहाड़ने लगा है। आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। आज ये मीटिंग हो गई, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज भैया एक आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी यहाँ पूरे ऐलान हो गया कि ओंकार सिंह मरकाम कांग्रेस का प्रत्याशी है, मैं इसमें एक संशोधन चाहता हूँ, ओंकार सिंह मरकाम अकेले प्रत्याशी नहीं है, यहाँ जितने बैठे हैं एक एक
कार्यकर्ता को आप प्रत्याशी घोषित कर दीजिए, मैं आपके लिए निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग कांग्रेस के प्रत्याशी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आप घोषित कर दीजिए। एक एक रजनीश भाई कांग्रेस का प्रत्याशी, पट्टा जी कांग्रेस का प्रत्याशी, चैन सिंह वर्कवे कांग्रेस का प्रत्याशी, उइके जी संजो कांग्रेस का प्रत्याशी, हमारे कमल सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी कांग्रेस का प्रत्याशी, मर्सकोले जी कांग्रेस का प्रत्याशी, एक एक साथी हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी है। और मैं तो कहना चाहता हूँ फग्गन सिंह को होल्ड आउट करने वाला हमारा बेस्ट मैन, खड़े हो जाओ भाई चैन सिंह जी, ये हमारे फग्गन सिंह को होल्ड आउट किया है, तैयार है। मैं तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज आप और हम सब ये हमारे फग्गन सिंह को होल्ड आउट किया है। ये हमारे नेता आदरणीय जो हमारे बीच में है जैन सिंह वरगड़े जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ भैया पटवारी जी, हमारा ये बेस्ट मैन क्रीज पे डटा है, ये हमारा बेस्ट मैन क्रीज पे डटा है और फग्गन सिंह को हराने वाला टारगेट फिर लाएगा, मैं बताना चाहता हूँ। और हमारे बीच में और जहाँ पट्टा हो तो बिना पट्टा का तो कोई काम ही नहीं चलता है, है ना, चाहे वन ग्रामों का पट्टा हो या राजस्व भूमि का पट्टा हो। और पटवारी जी आगे है जारी करने, पट्टा भी मिल गया और चैन भी मिल गया, पट्टा भी मिल गया और चैन भी मिल गया, जहाँ रजनीश आ गया तो फिर काम हमारा जोरदार हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आप और हम सब संकल्प लेके जाएं कि हमको अपना अपना वोट जीतना है। पर भैया एक अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जीत के आ रहे हैं पर 4 जून में रिजल्ट लेने के बाद मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे मंडल संसदीय क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए राहुल गांधी को जरूर आप समय दिला करके हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान कराने की कृपा करेंगे। आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? तो साथियों हम आपको प्रत्याशी, तो आप तेरा तुझको अनपढ़ क्या लागे मेरा, मैं तो घर के मुर्गी दाल बराबर, जहाँ जाओ वहां ले जाओ, तो आपसे निवेदन। नामांकन रैली के अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई जीतू पटवारी जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री हमारे भाई अरुण यादव जी और यहां के जाबाज लोकसभा के प्रत्याशी ओंकार मरकाम भाई, रजनीश जी विधायक, विधायक केन सिंह जी बरकड़े जी, विधायक नारायण पट्टा जी, सम्मानित हमारे एनपी प्रजापति जी वरिष्ठ, सम्मानित हमारे पूर्व विधायक संजय उइके जी, सम्मानित पूर्व विधायक भूपेन जी, सम्मानित मंच, सम्मानित कांग्रेस के अध्यक्ष, सभी जिलों के सेवा दल एनयूसीआई यूथ कांग्रेस और सम्मानित पत्रकार बंधुओं और सम्मानित दूर दूर से पधारे किसान और आदिवासी भाइयों, सबको राम राम, राम राम। ये आपसे कहना चाहते हैं, 5 से 6 बार आपने सांसद को देखा और जो 5 से 6 बार अगर रहे, 5 बार रहे, 6 बार रहे, 6 बार
सांसद रहे और चार बार मंत्री रहे, वो मंडला की हालत इस लोकसभा की क्या है? आप स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन मैं के दावे से कह सकता हूं बगैर किसी गांव में जाए आज भी कई गांव के अंदर आज उपस्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होंगे। स्वास्थ्य सुविधा है आपके गांव में? नहीं। तो ये मंडला में नहीं है, तो ये फग्गन सिंह कुलस्ते, फग्गन जी का नाम बदलना चाहिए, फग्गन सिंह कुलस्ते कर देना आज के लिए। जो बड़ा फुग्गा तो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, पांच से छह बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, इतनी हवा भर दी। और एक हमारे चैन सिंह भाई जो अभी विधायक बने, एक छोटे से चैन सिंह ने पिन मारी, फुग्गा फूट गया। तो ये हमारा शेर है चैन सिंह भाई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी आदिवासियों का भला नहीं कर सकती, कभी उन्होंने आपके यहां छठी अनुसूची की बात नहीं करी, कभी आपके यहां पलायन को लेके युवाओं को गारंटी की बात नहीं करी। मोदी जी जरूर कहते रहे कि देश के अंदर हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं मिली। गारंटी देते रहे, अभी भी हर टीवी पे चैनल पे मैं गारंटी देता हूं कि किसानों के लिए करूंगा। किसानों को कभी समर्थन मूल्य नहीं देना चाहते। इनके घोषणा पत्र में जब चुनाव हुए इन्होंने कहा कि हम धान की खरीदी होगी, घोषणा पत्र गारंटी देते हैं। मोदी ने कहा, अमित शाह ने कहा 3100 रूपये धान के हम खरीदेंगे क्विंटल, मिलना चालू हुआ 3100 रूपये। ये है मोदी की गारंटी। शिवराज मामा अभी बड़े परेशान हैं, अभी मोहन यादव शिवराज मामा की दोनों ही कबड्डी चल रही है, शिवराज मामा को निपटाने में लगे, मोहन यादव एक दूसरे की फाइलें ढूंढने छानने में लगे, कोई वल्लभ भवन में आग लगवा रहा कि अपने घोटाले सब गायब करो, और कोई नई घोटाले की फाइलें तैयार हो रही है। अभी हमारे एनपी भाई कह रहे थे कि महाकाल के नगरी के हैं हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, वहां से आशीर्वाद लेके निकले, लेकिन महाकाल में आग लग गई। तो ये प्रकोप आपको महाकाल बाबा आपके उज्जैन से ही देना चालू कर रहे हैं। उस सीएस की जमीन है, जो हिंदू धर्म की बात करते धर्म की बात करते, सीएस की जमीनों पर कौन कब्जा कर रहा है ये आपको पता चलेगा इस मुख्यमंत्री की नजर के नीचे कब्जे हो रहे। तो ये प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार के भूमाफिया होंगे तो कैसे होगा? अभी शेड्यूल के किसी पत्रकार को मालूम पड़ा, मुझे जानकारी मिली, मुनव्वर जी को उनको मारपीट हुई। ये प्रदेश के अंदर रेत माफिया, भू माफिया, जमीन माफिया, ये माफियाओं का राज आ गया। ऐसा नहीं कि जो बिहार में चलता था वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर भी गए हमारे यादव जी, नहीं लिया ऐसे लोगों को। जब गए थे बिहार ये तो वहां के यादव को इनने बुलाया कि आप हमारे यहां के धंधा करो। अरे भैया, यहां के यादव कहां गए प्रदेश के? यहां की तो बात ही नहीं करना चाहते हो, यहां के युवाओं की नौकरी की बात नहीं करना चाहते हो, यहां की लाडली बहना को आप 3000 रूपये आप नहीं देना चाहते महीने के, आप यहां 2700 रूपये गेहूं के नहीं देना चाहते हो। कैसी सरकार? क्या सिर्फ बैनर पे चलती है, पोस्टर पे चलती है, वीडियो पे चलती है? सिर्फ मोहन सरकार रिमोट की सरकार है, अमित शाह मोदी की सरकार, जो इंजन एक इंजन वहां है। ये बार बार कहते हैं मोदी जी डबल इंजन, लेकिन डबल इंजन के पास ना पैसा है ना साधन है। आज कई कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही,
पैसा नहीं है, ठेकेदारों के बिल बढ़े, रुक गए। बगैर पैसे की आप सरकार चला रहे हो तो सरकार कहां चला रहे? बड़े बड़े हर चौराहे पे आपको बैनर दिखेंगे, सरकार सिर्फ बैनर की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ये समय बड़ा विपरीत है, लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों में आप जिस प्रकार से आए कार्यकर्ता, आप जिस प्रकार से जनता इस मंडला में आए, आज आइए, मुझे विश्वास दिलाता हूं कि आप सबने आज ये विश्वास दिलाया हमारे पार्टी नेतृत्व के ओंकार मरकाम यहां पर मजबूत है और आपके आशीर्वाद से लोकसभा जाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। ओ फग्गन सिंह कुलस्ते, भुक्के वाले कुलस्ते, कि ओंकार मरकाम एक बड़ी पील लगाएगा लोकसभा की, तो ये आप सबको आपको ध्यान रखना है साथियों कि समय कम है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस जो कहती है करती है। अभी किसानों की बात करते हैं लोग, किसानों की कर्ज माफ की कांग्रेस ने जब कमलनाथ सरकार थी जब कर्ज माफ किया, उसके पहले जब केंद्र में सरकार थी जब कर्ज माफ किया, लेकिन मोदी ने आज तक कभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन आज फिर कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस दिल्ली में आएगी, हर किसान का कर्ज माफ होगा, ये मैं आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत।